फलोदी में कचहरी परिसर स्थित उप कारागृह से सोमवार रात 8 बजे एक साथ 16 बंदी फरार हो गए। दिन में बंदी बैरकों के आगे खुली जगह में थे, शाम को इन्हें बैरकों में डाला जा रहा था। इसी दौरान अंदर से बंदियों ने गेट का ताला खोल रहे कांस्टेबल, पास खड़े कार्यवाहक जेलर व एक सिपाही को धक्का दिया और बाहर खड़े सिपाही की आंखों में मिर्ची और सब्जी का घोल फेंक दिया। फिर आगे तैनात महिला गार्ड को उठाकर दूसरी ओर फेंक कर फरार हो गए। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, क्योंकि भागने के बाद जेल के बाहर पहले से एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठकर सभी फरार हो गए। अधिकतर बंदी तस्करी और हत्या के आरोपी हैं। एडीएम हाकम खान, एसडीएम यशपाल आहूजा, डीएसपी पारस सोनी, फलोदी थानाधिकारी राकेश खयालिया मौके पर पहुंचे। बंदियों की तलाश में जिले और आसपास नाकाबंदी की गई, साथ ही पड़ोसी जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व नागौर की सीमाएं सील कर दी गई, लेकिन देर रात तक एक भी बंदी का सुराग नहीं लग पाया। इसे प्रदेश का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा फरारी कांड बताया जा रहा है। इससे पहले 2010 में चित्तौड़ की जिला जेल से एक साथ 23 कैदी फरार हो गए थे। यह पूरा घटनाक्रम रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में शंका पैदा होती है कि यह सब संयोगवश नहीं बल्कि साजिश के तहत हुआ है। जेल कर्मियों की मिलीभगत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। घटना के तुरंत बाद सिपाही मदन पाल और राजेंद्र गोदारा चोटिल महिला सिपाही के पास खड़े थे, तब दोनों के कपड़े सही थे, लेकिन आधे घंटे बाद जब ये दोनों अफसरों को बयान दे रहे थे तब इनके कपड़े फटे हुए थे। इन्होंने बंदियों के साथ धक्का मुक्की होने की बात कही। जेल के दो गेट हैं, बंदियों को बैरक में डालने व निकालने के वक्त दोनों में से एक पर ताला होना चाहिए, लेकिन सोमवार को घटना के वक्त बाहरी गेट पर ताला नहीं था और अंदर का गेट वैसे ही खोला गया था। ऐसे में बंदियों के सामने न दीवार फांदने की नौबत आई और न ही कोई हथियार चलाने की। शाम के टाइम जेल बंद करते वक्त समय होने पर मैं हवलदार सिपाही मैं दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने अंदर से धक्का दे दिया और हमारे ऊपर सब्जी गिरा दी और माखा मिर्चियाँ गिर गई, इसलिए वो 15-16 थे, हम 4-5 ही थे सर, तो हमारे ऊपर गिर गए और पीटा हमारे को भी। और मेन गेट पे लेडीज़ कांस्टेबल थी, उसको गिरा के फेंका दिया और उसके भी वो कुंडा खोल के चले गए। मेन गेट ताला नहीं लगा था? मेन गेट के ताला नहीं होता सर। नहीं, जैसे आप भी किसी स्टाफ की कोई लापरवाही वगैरह? हमारे स्टाफ की कोई लापरवाही नहीं थी, हम सिर्फ बंद कराने ही जा रहे थे शाम के बाद। जैसे आगे दोनों ही गेट पे कुछ लॉक वगैरह का कुछ सिस्टम? ऐसा सिस्टम नहीं है, जब अंदर का गेट खोलते हैं तो बाकी गेट पे ताला लगाते हैं। सिंगल गेट है सर? नहीं, ये अंदर का एक कैदियों के मुख्य द्वार है ना जी सर, उसके ताला नहीं लगाते क्या? आज तक तो लगा नहीं सर, क्षमता से ज़्यादा है बंदी, 60 बंदी थे, सबकी 17 आदमी की स्टैंड है।